आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ चॉपसी। चाइनीज़ चॉपसी और अमेरिकन चॉपसी में फ़र्क इतना है कि जो चाइनीज़ चॉपसी है वो थोड़ी स्पाइसी रहती है और जो अमेरिकन चॉपसी है वो थोड़ी स्वीटर रहती है, बट ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली और स्वागत है आप सबका शेफाली की दावत में। तो आइए आज हम बनाते हैं चाइनीज़ चॉपसी। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा है, उसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल। ये पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी 150 ग्राम्स हक्का नूडल्स। गर्म पानी में ये सॉफ्ट होते ही अलग हो जाएंगी। देखिए ये अलग हो गई हैं, हमें इन्हें 70-80% बॉयल करना है। तो इस तरह से इसे हम लगभग 4-5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए ये बॉयल हो चुकी हैं, काफ़ी फूल भी गई हैं। अब हम इन्हें छान लेंगे। ये नूडल्स बहुत ज़्यादा बॉयल ना हो इसके लिए ऊपर से मैं ऐड करूँगी ठंडा पानी, ताकि इनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और उसके बाद इस तरह से भी खीरते हुए, या इसको अलग प्लेट में या कपड़े पे भी डाल सकते हैं, हम इनको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। 1 घंटे के बाद मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। इससे इस तरह दोनों फॉक्स की हेल्प से या आप चाहें तो हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो ये कॉर्न स्टार्च और जो ऑयल हमने डाला है वो अच्छे से सारी नूडल्स पे कोट हो जाए। इसके बाद मैं एक पैन में ऑयल लूँगी इसे फ्राई करने के लिए। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप ऑयल ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से इसमें मैं बिखेरते हुए नूडल्स ऐड करूँगी। यहाँ एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जो ऑयल है आपका वो पूरी तरह गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये एक पक्की बात है कि जैसे ही आप इसमें नूडल्स डालेंगे आपका ऑयल एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको साइड से करते हुए एक गोल शेप सी दे लूँगी और इसको ऊपर से प्रेस कर लूँगी ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाए। तो ये देखिए, अब मैं इसको साइड चेंज कर दूँगी और एक दूसरी साइड से भी पका लेंगे। हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से पकाना है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लेना है तो आप ऐसा करें कि एक बर्तन में अलग से तेल गरम कर लें और इसके ऊपर से गरम ऑयल डाल दें। इससे हमारा जो ऑयल ठंडा हुआ है वो भी सेट हो जाएगा। देखिए ये लाइट गोल्डन हो चुका है, अब हम इन्हें टिश्यू पे निकाल लेंगे। अब रेडी करते हैं ग्रेवी। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें 10-12 कलियाँ चॉप्ड गार्लिक की डालूँगी, 1 इंच चॉप्ड जिंजर, 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज और 1 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन कटा हुआ। इन्हें 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। चाइनीज़ खाने में गैस की फ्लेम लो नहीं होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्लाइस्ड किया हुआ अनियन, 1 कप ऐड करेंगे मिक्स कलर की बेल पेपर्स, 1 कप कैबेज जूलियट, 1 कप कैरेट जूलियट, 1/2 कप स्प्रिंग अनियंस, और इनको भी हम हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। हमें इन्हें लगभग 2-3 मिनट के लिए पकाना है और नमक ऐड नहीं करना है, नहीं तो सारी वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन हमारे लिए यहाँ मैटर करता है इसका टेक्सचर, तो हमें इसे क्रिस्पी ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप्स ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो आप दबा ही देंगे। तो जब तक ये पानी बॉयल होता है हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून शेजवान चटनी, 2 टीस्पून टमाटो केचप, 2 टीस्पून चिली सॉस। इसका कलर हमें रेड ऑरेंज रखना है, इसलिए ये सॉसेस ज़्यादा ऐड करेंगे, और सोया सॉस ओनली 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून विनेगर। चाइनीज़ चॉपसी जो है ये स्पाइसी होती हैं, इसलिए हमने शेजवान चटनी और चिली सॉस ज़्यादा डाली है, और अगर हम अमेरिकन चॉपसी बनाते हैं तो हम टोमेटो केचप ज़्यादा ऐड करते हैं। इसमें मैंने जो भी सॉसेस या चटनी ऐड की है वो मैंने सारी चिंग्स की ऐड की हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून शुगर। ये कोई गुजराती वर्जन नहीं है, इसमें स्वीटनेस और सॉरनेस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर को ऐड करना पड़ता है।
तो जब तक ये बॉयल होता है हम एक स्लरी रेडी करेंगे। एक बाउल में मैं लूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप ना रहे। इससे हमें अपनी जो इस वेजिटेबल्स हैं उन्हें थिक करना है उसकी ग्रेवी को, इसलिए हमने ये स्लरी बनाई है। तो ये देखिए यहाँ वेजिटेबल्स बॉयल हो गई हैं, अब इसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च की स्लरी और इसे भी मिक्स कर देंगे। इसे लगातार मिक्स करेंगे जब तक बॉयल नहीं आता, नहीं तो ये लंप्स बन सकते हैं। इससे हमारा टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसलिए कॉर्न स्टार्च बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये बॉयल होता है उसके बाद हमारी ये वेजिटेबल्स कुक हो चुकी हैं, हमारी ये ग्रेवी भी रेडी है। अब इसमें ऊपर से ऐड करूँगी थोड़े से स्प्रिंग अनियंस। इसके बाद हमारी जो चाइनीज़ चॉप्सी है वो बनकर रेडी है, सर्व करने के लिए तैयार है। मैं एक बार आपको इसका टेक्सचर और इसकी थिकनेस दिखा दूं, तो ये देखिए ये हमें इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक या इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो आइए अब इसे गरम गरम सर्व करते हैं दो तरीक़ों से। फर्स्ट वे में मैं इसमें जो ग्रेवी है वो अलग से ऐड करूँगी और जो हमने नूडल्स को फ्राई किया है उनको इस तरह से तोड़ के हम अलग से सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और हमारे घर में स्पेशली ये सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो लीजिए हमारी फर्स्ट वे से चॉपसी बनकर रेडी है, आप इसे गरम गरम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा टेक्सचर भी आया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको दूसरी तरह से कैसे सर्व कर सकते हैं। तो प्लेट में मैं इस तरह से एक नूडल्स का लूंगी और इसके ऊपर से हम ग्रेवी ऐड करेंगे। बट एक बात का ध्यान रहे, इस तरीके से हम तब सर्व करेंगे जब हमें इसे साथ के साथ खाना है, क्योंकि इससे जो नूडल्स हैं वो सॉगी हो जाती हैं, हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। कलरफुल वेजिटेबल्स ने इस चॉपसी में जान डाल दी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी।